একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, স্থগিত হয়ে গেল কেদারনাথ যাত্রা। সোনপ্রয়াগে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে কেদারনাথ যাওয়ার রাস্তা ধুয়ে সাফ। এখন অনেক পর্যটক আটকে, নাগাড়ে কাজ করে চলেছে উদ্ধারকারী দল। গ্রাউন্ড জিরো উদ্ধারকারী টিমের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস অভিযানে সামিল জি চব্বিশ ঘন্টাও। केदारनाथ रेस्क्यू का चौथा दिन आज है और इस वक्त हम सिरसी हेलीपैड से चिड़वासा की ओर जा रहे हैं और आप देखिए किस तरह से तमाम जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ इस वक्त यहां मौजूद है और एसडीआरएफ आज जो गौरीकुंड क्षेत्र है उसमें सर्च एंड रेस्क्यू का काम करेगी, सर्च अभियान चलाएगी कि क्या ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों के दबे होने की आशंका है, क्या लोग जहाँ पर लोग हो सकते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। स्निफर डॉग्स की मदद से वहाँ पर खासतौर पर गौरीकुंड के आसपास किस तरह की हानि हुई है उसे देखने की कोशिश करेगी। सामने आपको हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ आएगी और इसके बाद यहाँ से लेकर गौरीकुंड तक पूरा सर्च अभियान चालू होगा। एसडीआरएफ कमांडेंट खुद इसमें पहुँचे हैं, मणिकांत मिश्रा, उनकी टीम यहाँ आई है और वो लोग पूरे इस सर्च अभियान में रहेंगे। तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। जगह जगह पर ये देखा जाएगा कि कितना ये रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो क्रॉनिकल लैंडस्लाइड की तरह हैं, जो ज़्यादा खतरनाक हैं। सर, आज का ये जो अभियान है इसमें क्या क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ करेंगे आप? अभी आज पूरे हम लोग चिड़वासा से लेकर गौरीकुंड तक उन जगहों को जो ऐसी अंदेशा है कि वहाँ कोई दबा हुआ हो सकता है या कोई जानवर दबा हो सकता है, उन जगहों को हम आज सर्च करेंगे। ये गौरीकुंड को जाने वाला रास्ता है, गौरीकुंड में कितनी तबाही हुई, वहाँ भी नुकसान बहुत हुआ, उसका जायज़ा लेने के लिए एसडीआरएफ की टीम इस वक्त गौरीकुंड की ओर जा रही है। जगह जगह इस तरह से रास्ते टूट चुके हैं, बड़े बड़े जो आपको झरने दिख रहे हैं वो सबसे बड़ा नुकसान दे रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर इसमें आए हुए हैं। कितना नुकसान हुआ इस बार? नुकसान बहुत हो चुका है, बताया नहीं जाता, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ पर कोई है, कहाँ पर कोई है। 31 जुलाई को जो बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, उसकी वजह से यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, मंदाकिनी के रास्ते में जो भी आया उसने पूरा वो तोड़ दिया। यहाँ पूरा घोड़ा पड़ाव था, नीचे भी घोड़े रहते थे और ये पूरा घोड़ा पड़ाव टूट चुका है। घोड़ा पड़ाव में जो घोड़े थे, कुछ घोड़े भी इसमें बहे हैं ये बताया जा रहा है। गौरीकुंड में किस तरीके का नुकसान हुआ, ये बड़ा बोल्डर जो है ये आज सुबह गिरा है तो अभी भी पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ये बड़ा पत्थर आज गिरा है और गनीमत ये रही कि लोग यहाँ नहीं थे, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से दुकान पूरी ख़त्म हो गई और कितना बड़ा बोल्डर है आप ये देखिए। यहाँ तप्त कुंड हुआ करता था, जो भी केदारधाम की यात्रा में आता था वो तप्त कुंड में ज़रूर स्नान करता था, गर्म पानी का ये स्नान था और पूरी तरीके से तप्त कुंड अब गायब हो चुका है। हमारे दाई ओर जो ये मंदाकिनी बह रही है जिसका शोर आज भी डरा रहा है और ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पर भारी त्रासदी उस वक्त रही होगी जब ये पानी इसमें आया। एसडीआरएफ कमांडेंट यहाँ पर हैं, यहाँ के थाना इंचार्ज हैं और सभी लोग तमाम जगह पर देख रहे हैं कि क्या पत्थरों के नीचे तो कोई नहीं दबा है। यहाँ जो घाट बनाए गए वो बह चुके हैं, सीढ़ियाँ देखिए, लोग स्नान के लिए अगर कुछ उतरते थे तो वो सारी सीढ़ियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। अगर उस वक्त एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लोगों को नहीं रोकती, लोगों पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो शायद यह हादसा बहुत बड़ा हो जाता। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गौरीकुंड केदारनाथ धाम। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।